नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले आपसे यही अपील है, मास्क जरूर पहने, कोरोना से बचाव में यही एकमात्र उपाय है। दूसरा उपाय है वैक्सीन लीजिए। आपसे एक बार फिर से अपील करें कि मास्क जरूर पहनिए और इसीलिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्कपहनोइंडिया। और बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आपको खुद को सुरक्षित रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना है, तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। ये अहम खबर जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर प्रशासन ने ड्रोन पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद प्रशासन सख्त हो गया है, जिसके बाद प्रशासन ने ड्रोन के इस्तेमाल के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस आदेश के मुताबिक जो लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अपना ड्रोन इलाके के पुलिस स्टेशन में जमा कराना होगा। प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से इसे जरूरी बताया गया है और साथ ही इस आदेश में यह भी साफ किया गया है कि जो लोग नए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। और चलिए सीधे श्रीनगर रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रिफत, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नई गाइडलाइंस जारी हुई है, क्या कहा गया है, उसमें क्या है? देखिए गायत्री, एक्चुअली सिविल एविएशन की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं जिसका पालन किया जा रहा है। आपको मालूम है कि जम्मू में भी इस तरह का एक ऑर्डर डीएम ने जारी किया था और बताया था कि जिनके पास भी ड्रोन है वो डिपॉजिट कराएं पुलिस स्टेशन में और उसके अगेंस्ट रिसिप्ट दिया जाएगा और वो ड्रोन जो है अब वहाँ ही रखना होगा और उसकी डिटेल्स जो है वो पुलिस स्टेशन को फराहम करनी होंगी। और आज श्रीनगर में इस तरीके का ऑर्डर जारी किया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने और लोगों से बताया गया है, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कहा गया है कि वो अपना ड्रोन जो है वो डिपॉजिट कराएं पुलिस स्टेशन में और वहां से एक रिसेप्ट दिया जाएगा उनको और ये कहा जाएगा कि उन्होंने उनका ड्रोन जो है रिसीव किया। यानी कि आज के बाद अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास ड्रोन कैमरा है तो वो इलीगल समझा जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर्स मिले हैं कि वो ड्रोन जो है डिपॉजिट कराया जाए। आपको मालूम है कि जम्मू में जिस तरीके से ड्रोन हमला हुआ था उसके बाद ही इस तरीके की कार्रवाई की गई, पहले जम्मू डिवीजन में की गई, अब कश्मीर डिवीजन में की जा रही है। तो ये कहा जा सकता कि ड्रोन हमलों को रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और आपको ये भी मालूम है कि जिस तरीके से मीटिंग्स भी यहाँ पे हुई, पुलिस सीआरपीएफ और आर्मी ने जॉइंट मीटिंग की थी और उसके बाद वो एयरपोर्ट पे भी गए थे और जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ उन्होंने दौरा किया, जायजा लिया कि कितना खतरा हो सकता है और आईजीपी ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये एक बड़ा सीरियस थ्रेट है, तो इसको कैसे रोका जाए उस चीज के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। गायत्री, अच्छा जरा एक बार रिफत फिर से विस्तार से बताइए कि किन लोगों को ये जो ड्रोन्स हैं वो जमा कराने होंगे और किस तरीके की जानकारी उनकी तरफ से पुलिस को दी जाएगी, किस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी? देखिए गायत्री, सरकारी डिपार्टमेंट्स को छोड़ के बाकी सब लोगों से कहा गया है कि वो ये ड्रोन कैमरास जो हैं वो डिपॉजिट करा। तो मालूम है कि काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं, अलग अलग ब्यूटीफुल विजुअल्स लेते हैं ड्रोन के जरिए, ऊपर से एरियल शॉट्स उनको मिलते हैं। तो कश्मीर चूंकि बहुत खूबसूरत है और यहाँ पहाड़ी एरिया बहुत हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे ड्रोन कैमराज थे जो उसको ऑपरेट करते थे, या शादी ब्याह के मौके पर भी यहाँ पे ड्रोन कैमराज का इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो साइकिलिंग हो, माउंटेन बाइकिंग हो, कार रेसिंग हो, उसमें भी ड्रोन कैमराज इस्तेमाल किए जाते थे और यहाँ काफी सारे इंडिविजुअल्स के पास ड्रोन कैमराज हैं। यही वजह है कि कहीं कंफ्यूजन ना हो कि कोई जो है ड्रोन का हमला हो, उस वजह से उन लोगों से कहा गया है कि वो अपने कैमराज जो है ड्रोन कैमराज वो डिपॉजिट कराएं। लेकिन साथ ही जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनको कहा गया है कि जब भी वो ड्रोन ऑपरेट करें तो उस टाइम इन्फॉर्म करना पड़ेगा पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को और पर्पज भी बताना होगा कि क्यों उनको इस्तेमाल करना है। तो ये कहा जा सकता है कि जो भी लोग हैं बाकी सरकारी डिपार्टमेंट्स को छोड़ के, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, उनसे कहा गया है कि वो इन्फॉर्म करें जब वो ड्रोन ऑपरेट करेंगे और पर्पज बताएं। तो ये कहा जा सकता है फिलहाल जितने भी बाकी लोग हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट भी हैं, उनसे कहा गया है कि वो ड्रोन जो है वो डिपॉजिट कराएं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो तमाम लोग, जो स्थानीय लोग हैं, अगर वो ड्रोन का किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे तो उनको अब इस्तेमाल नहीं करना होगा, उस पर पाबंदी लगा दी गई, उनको ड्रोन जमा कराना होगा। लेकिन जो सरकारी दफ्तर, सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं, उनको पर्पस बताना होगा, उसके बाद वो इस्तेमाल कर पाएंगे। रिफत जी बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी सारी सर्वे होती हैं, काफ़ी सारे जो हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, उनको अगर ट्रांसमिशन लाइन बिछानी होगी तो वो ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं और पूरा एरियल सर्वे करते हैं और उनको पता लगता है कि किस तरीके की टोपोग्राफी है, कहाँ कहाँ पे बड़े बड़े टावर्स, ट्रांसमिशन टावर्स खड़े करने हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो सर्वे करता है कि कहाँ कहाँ पे नुकसान हुआ है, जब कोई बर्फ गिरती है बहुत ज़्यादा तो ड्रोन चलाया जाता है और कितने हेक्टेयर्स में नुकसान हुआ, कहाँ कहाँ पे हुआ,
क्या पोजीशन है, इस तरीके का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है सर्वेलेंस करती है कि कहीं जंगल चोरी के वाकया तो ना हो, तो इस तरीके से काफी सारे डिपार्टमेंट्स के पास पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ या बाकी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको छोड़ के बाकी जो सिविल डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास भी ड्रोन है, लेकिन वो अपनी ड्रोन रख सकते हैं अपने पास, उनको पुलिस स्टेशन में वो जमा नहीं कराने हैं बल्कि वो अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जब ऑपरेट करेंगे तो तब इन्फॉर्म करना होगा तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब कोई भी ड्रोन किसी इलाके में अब चलेगा तो उसको यह समझा जाएगा कि एक शक की नजर से उसको देखा जाएगा, लेकिन जब डिपार्टमेंट का कोई ड्रोन होगा उड़ाना होगा तो वो जब पुलिस स्टेशन को बताएगा या जो वहां सुरक्षा के लोग होंगे उनको बताएंगे तो वो इन्फॉर्म्ड रहेंगे, तो वो उसको उतारने की कोशिश नहीं करेंगे। रिफत, ये ड्रोन जमा कराने की प्रक्रिया क्या रहेगी और क्या जो ड्रोन जमा कराए जाएंगे उनको जांचा भी जाएगा? ऑब्वियसली हो सकता है कि वो कोशिश की जाए क्योंकि अभी कह पाना मुश्किल है, हो सकता है कि फुटेज भी खंगाली जाए अगर किसी पे शक होता है, पहले क्रेडेंशियल्स देखे जाएंगे, पर्पस देखा जाएगा, किसने किस चीज के लिए लाया था, क्यों लाया था, कहां से लाया था, काफी बड़ी एक्सरसाइज हो सकती है, क्योंकि अगर सुरक्षा बलों को लगा कि जांचने की जरूरत है कौन क्या कर रहा था, कौन कहां से जो है फुटेज हासिल कर रहा था, हो सकता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो उस मेमोरी को जांच सके, अभी कह पाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर इस तरीके से कोई सिक्योरिटी का इश्यू रहता है, तो ड्रोन कैमराज में क्या क्या कैप्चर हुआ है वो शायद जो है उस फुटेज को शायद खंगाला जा सकता है, लेकिन अभी कह पाना मुश्किल है, हो सकता है सिक्रेसी जो है बरकरार रखी जाए, प्राइवेसी बरकरार रखी जाए, और ऐसा ना हो देखना पड़ेगा कि प्राइवेसी के क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशंस रहेंगे, क्योंकि सिविल एविएशन ने आगे से ऑर्डर दिया है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास करेंगे, हो सकता है कि आपकी प्राइवेसी को बरकरार रखा जाएगा और जो भी फुटेज उसमें है उसको छेड़ा नहीं जाएगा, हो सकता है कि छेड़ा भी जा सकता है, मतलब छेड़ा नहीं बल्कि उसकी जांच भी की जा सकती है अगर किसी पे शक होगा, एक्चुअली क्रेडेंशियल्स देखे जाएंगे कि किसका पर्पस क्या था, कौन आदमी किस चीज के साथ रिलेटेड है और क्यों ड्रोन की जरूरत। रिफत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजौरी और कठुआ में भी शायद ड्रोन को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी हुई थी, वो किस तरह के निर्देश दिए गए थे प्रशासन की तरफ से? सेम गाइडलाइंस हैं क्योंकि सिविल एविएशन की तरफ से एक्चुअली ये ऑर्डर आया है और उसको फॉलो किया जा रहा है, और जम्मू में पहले ही ये कुछ दिन पहले ही ऑर्डर जारी किया गया था और कहा गया था कि ये ड्रोन जो है ये जमा कराने हैं पुलिस स्टेशन में, तो ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम है, जिस तरीके से बाकी चीजों का ऑर्डर जब सेम आता है आगे से तो उसको अकॉर्डिंगली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एज पर नीड जो है फॉलो करते हैं, जिस तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल्स को लेके आगे से जो गाइडलाइंस आती थी फिर डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग तरीके से ऑर्डर जारी किए जाते थे, तो यहाँ पे भी ड्रोन में भी ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी का इशू बन गया है, तो अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, जैसे आज श्रीनगर का हुआ, कुपवारा का कर सकता है, बारामूला का हो सकता है, अनंतनाग का, जहां जहां लगे कि सिक्योरिटी का इशू हो सकता है या इर्द गिर्द उस एरिया में सिक्योरिटी के ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिन पे हमला हो सकता है, ड्रोन हमला हो सकता है, शायद उन एरियाज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, लेकिन कॉल ली जा सकती है जो आगे चाहे एसएसपी बोले या जो आगे से सिविल एक्शन के ऑर्डर्स आएंगे उसी हिसाब से कॉल ली जाएगी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसी हिसाब से ऑर्डर जारी करेंगे, क्योंकि ऑर्डर जारी करने का जो अथॉरिटी होती है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास होती है। जी, राजौरी और कठुआ में क्या लोगों ने इस तरह के निर्देशों को खुद से माना था? लग रहा है यहाँ पर भी लोग मानेंगे। रिफत, देखिए जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे तो मानना ही पड़ेगा और अगर किसी के पास रहता है तो इलीगल जो पोजीशन इसको डिक्लेयर किया जा सकता है, तो कोई अपने आप को रिस्क में नहीं डालना चाहेगा, अगर कोई छुपा के रखता है अब देखना होगा कि जब उससे रिकवर किया जाएगा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कानून के मुताबिक जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर जारी करता है उसको हर सूरत में जो है उसकी कॉम्प्लायंस करनी पड़ती है, उसको मानना पड़ता है, और अगर कोई नहीं करता है तो वो एक जुर्म होता है, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है, सुरक्षा को लेकर मामला है, तो इस पे कोई भी बड़ा केस बन सकता है सुरक्षा को लेकर या ब्रीच कहीं पे सिक्योरिटी का अगर इस वजह से होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इंडिविजुअल चाहेगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो फौरन। जैसा मैंने कहा जिस तरीके के हालात कश्मीर में है तो ये ऐसा समझा जा सकता है कि इलीगल ऐसी डिवाइस करार दी जाएगी जो किसी के पास निकली तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो फिलहाल ये कहा जा सकता है हर कोई चाहेगा कि वो अपनी जो है सिक्योरिटी एंश्योर करे, अपनी सेफ्टी एंश्योर करे, किसी परेशानी में ना फंसे, किसी केस में ना फंसे, वो चाहेगा कि वो डिपॉजिट कराए। रिफत, क्या इस निर्देशों में क्या ये भी साफ किया गया है कि कब तक इन ड्रोन्स को रखा जाएगा प्रशासन की तरफ से अपने पास और इनको लौटाने की प्रक्रिया क्या होगी, क्या इसका भी कोई जिक्र किया गया है? गायत्री आपने अहम सवाल पूछा, हर कोई चाहता होगा कि इसका जवाब मिले, लेकिन इस वक्त किसी के पास इसका जवाब नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सिचुएशन उभर के आ रही है, डेवलप हो रही है, ड्रोन थ्रेट जो है वो सामने आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी जो है ये वापस दिए जाएंगे जब तक ये पूरा थ्रेट दूर नहीं होगा, और अगर किसी और जगह ऐसे
जो है हमले हुए या ड्रोन के जरिए कोई एम्यूनिशन ड्रॉप किया गया, तो जितना ये ज्यादा सिचुएशन गहराएगी उतना मुश्किल है कि ये ड्रोन वापस मिलेंगे बहुत जल्द। ऐसा लगता है कि फिलहाल इनको रखा जाएगा पुलिस स्टेशन में, रसीद दी जाएगी, और उतने ज्यादा भी नहीं है, अगर 100 200 300 ड्रोन होंगे तो सरकारी पुलिस स्टेशन में बहुत मुश्किल नहीं है कि उनको स्पेस नहीं मिल सकती है, रखा जाएगा। अब ये देखना होगा कि सरकार ऐसी कोई पॉलिसी देखेगी कि अगर किसी ने 20,000 रुपए का ड्रोन लाया है उनको वो पैसे दे देंगे या हाफ रेट दे देंगे या 70% पैसा दे देंगे और उसका जो है हमेशा के लिए सरकार ले लेगी, ताकि मतलब उनको वापस ही ना लौटाया जाए। शुक्रिया रिफत ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये नई गाइडलाइन श्रीनगर प्रशासन की तरफ से जारी हुई है कि जो लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे अब उनको अपना ड्रोन पुलिस स्टेशन में जमा कराना होगा। सरकारी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको इस्तेमाल का उद्देश्य बताना होगा और उसके बाद ही उनको इजाजत दी जाएगी। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ये सख्ती प्रशासन ने की है।